डियर सर, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मैं उससे प्यार करता हूँ। पर मैं डरता हूँ कि उसे प्रपोज़ करने पर वो मना ना कर दे और हमारा फ्रेंडशिप भी ना तोड़ दे। मैं उसके जैसे दोस्त खोना नहीं चाहता। बिना प्रपोज़ किया अगर लड़की को पटाने का कोई तरीका हो तो बताए। करण सरकार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। देखो करण, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। देखो, लड़कियां हमेशा शिकायत होती है कि उन्हें इंसान नहीं समझा जाता है, इसलिए वो हमेशा कहती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। इस बात का मतलब ये होता है कि सारे लड़के एक ही नज़र से उन्हें देखते हैं। आप उनके दोस्त इसलिए हो क्योंकि आपकी नज़र में उनको रिस्पेक्ट नज़र आता है। आप दूसरे लड़कों की तरह उसे फुटबॉल नहीं समझते, उसे इंसान समझते हैं। अगर आप उसे ऐसे सिचुएशन में प्रपोज करोगे तो वो आपको भी उन लड़कों की कैटेगरी में शामिल कर लेगी। देखो, जैसे लड़कों को अपने फ्रेंड से प्यार हो जाता है, ठीक वैसे ही लड़कियों के साथ भी होता है, पर वो लड़कों की तरह इसका इजहार नहीं कर पाती। ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? सबसे पहले तो आप लड़की को समझो, उसे समझने की कोशिश करो वो क्या चाहती है। देखो, ज़्यादातर मामलों में लड़कियाँ प्रपोज़ इसलिए नहीं करती क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहती है। आपके जैसा दोस्त वो खोना नहीं चाहती। आपके इनकार कर देने के बाद बहुत बदनामी होगी, या उसे फ्रेंडशिप से भी सब कुछ मिल रहा है जो इस बॉयफ्रेंड करता है। अगर वो आपके फ्रेंड है तो आप उसके साथ फ्रेंड जैसा ही रहें, गर्लफ्रेंड वाले ट्रीटमेंट ना दें। जैसे उसका केयर करना, उसका काम काम कर देना, उसे घुमाने ले जाना, डेट पर जाना। देखो यार, ऐसे फ्रेंडशिप में सब कुछ मिल रहा है तो उसे गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी? देखो, बिना प्रपोज के लड़की को अपना बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ उसे आप पहला तरीका समझ सकते हो। ये तरीका ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती है, पर ये लड़के भी यूज़ करें तो उसका असर सही होता है। मुझे याद है जब मैं मंदिर जाया करता था, वहाँ रोज़ एक लड़की आती थी। वो वाइट ड्रेस में खुले भीगे बालों, हाथों की पूजा के थाली में एक नारियल और पूजा का सामान के साथ आती थी और शिव की पूजा करती थी। पहले तो मुझे लगा कि वो सिर्फ सोमवार को आती है, शायद उसका सोमवार का व्रत होगा। आपको पता होगा 16 सोमवार का व्रत किस लिए किया जाता है, पर जब जब मैंने देखा तो हर रोज़ मंदिर आ रही है, तो मैंने उसे ऐसे ही पूछ लिया, आप किस लिए मंदिर आती हो, कौन सा व्रत है तुम्हारा? तो उसने बताया कि कोई व्रत नहीं है, मैं जब छोटी थी तभी से मंदिर आ रही हूँ। फिर उसने मुझे पूछा कि आप रोज़ दिखते हो यहाँ, आप क्या करते हो? मैंने उसे बड़े ऐसी कहानी सुनाई कि मैं बाहर से आया हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ। बहुत कुछ बताया मैंने। देखो, मंदिर का एक फ़ायदा होता है, यहाँ आपका दिल साफ होता है, यहाँ का माहौल बढ़िया होता है, और यहाँ घटिया लोग मंदिर से दूर रहते हैं। मंदिर में दिखना मतलब आप एक अच्छा सा इमेज बना सकते हो, और कोई भी बिना सोचे समझे आप पर भरोसा करने लगता है और आपसे बात करने लगता है। यह आप बिना डर किसी से बात कर सकते हो। अगर आप लड़कियों से बात करने से डरते हो तो आप मंदिर जाना चाहिए और यहाँ के लड़कियों से बात करना चाहिए, आपको 90% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 2-4 दिन की मुलाकात में हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हमने हमारा नंबर एक्सचेंज किए और हमारा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। देखो, मंदिर में हमारे एज के लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा होती है, तो आपको बहुत सारी लड़कियां यहाँ मिल जाएगी और आपके कंपटीशन में भी कोई नहीं होगा। हम पहले काम की बातें करते थे और पढ़ाई, जॉब, कॉलेज, सब्जेक्ट, उसके बाद फैमिली की बातें, उसके बाद फ्रेंडली टॉपिक पर आ गया, उसके बाद जोक्स, हंसी मजाक। मैं उसे प्यार करने लगा था और उसका भी यही हाल था। मुझे पता तो चल रहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर मैं उसे प्रपोज नहीं करना चाहता था। हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके थे। बातों का सिलसिला अच्छा चल रहा था कि एक दिन उसका मैसेज आया कि मुझे और नहीं जीना, मैं मरना चाहती हूँ। उसके ये बात सुनते ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसे पूछा क्या हुआ तो उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मरना ही आखिरी रास्ता है। इसी तरह के बहुत सारी बातें हुई। आखिर में उसने मिलने पहुंच गया। वहाँ माहौल देखकर मैं हैरान हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने पूछा पहले ही मैंने मेरे पूछने से पहले ही उसने बताया
सकता है कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं जवाब देने की हालत में नहीं था। उसके बाद हम रोज़ मंदिर जाया करते थे और रोज़ हमारा मिलते थे, हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मैंने एक दिन मेरे कॉलेज के फ्रेंड को मैसेज किया कि मैं मरना चाहता हूँ, तो मुझे और नहीं जीना। तो वो मुझसे मिलने आ गई और हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद कंप्यूटर क्लास, डांस क्लास, हर फ्रेंड को यही तरीका अपनाया। ये तरीका अपनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। ये तरीका एक लड़की पर एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। अगर ये करने के बाद लड़की रिस्पांस ना दे तो समझ जाओ जाओ कि लड़की अब से प्यार नहीं करती, आपको और मेहनत करनी होगी, शायद उसे उस तरह का इम्प्रेशन आप जमा नहीं पाए। मैं उसी पर ट्राई करो जिस पे आप पहले भी मिल चुके हो। इस तरीके से कि अगर लड़की नहीं मानती तो आप उसे पहले जैसे दोस्त बनकर रहे, और जब तक लड़की ना पूछे तब तक इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए।